जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दबा दियो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज मैं टुआणा में हूँ और टुआणा आता हूँ नबेरा। राजनीतिक दबदबा है जो पूरा हरियाणा में नहीं पूरा देश में एक अलग पहचान है। एड तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी थे मौका पर धनखड़ बने बेकैल पत्ता कटिया उनका। और एड तो जो एक रुके मारिया करता बनने तो पहला नुबिला मैं यू काम करूँगा यू काम करूँगा। जजपा विधायक देवेंद्र बबली भी इसी हल्का दाम है। और जो शहर है टुआणा उसके भाटिया नगर में खड़े हूँ मैं। एड कुछ जो भाटिया नगर के वासी हुए भी हमारे गल है और वार्ड 21 है यू भाटिया नगर का। तो एड के हालात तो मैं देख सको होके है। तो मेरे गल एक भाई भी है राम राम प्रधान जी। नमस्कार भाई साहब, मैं पहले तो यहाँ ठेठ हरियाणा की टीम पहुँची है उसके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये स्वागत के योग्य तो नहीं है क्योंकि हमारा ये देखो कि कितना बुरा हाल है। यहाँ रहने वालों के लिए कोई वो नहीं है। तकरीबन 20 साल से ये सड़क टूटी हुई है, ऐसे ही ये उधर आगे तक टूटी हुई है। यहाँ पे बराला साहब भी रह लिए और बबली जी भी अभी विधायक हैं। और चुनाव के वक्त आए थे बबली जी, कह रहे थे कि भाई आते ही पहले इस सड़क को पूरा करवाया जाएगा। और ये चार चार पाँच पाँच फुट यहाँ पानी भर जाता है प्लाटों में, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने माननीय SDM साहब को DC साहब को कई बारी पर्सनली मिल के भी ज्ञापन दिया है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हार के ये टीम आई है हमारे यहाँ, तो मैं ये चाहूँगा प्रशासन को दिखाना कि भाई हमारी भाटिया नगर वालों की फरियाद सुनी जाए और इसके ऊपर जल्दी कोई उचित कार्रवाई की जाए। तक किस किस तक ललिता हमने ज्ञापन सौंपे हैं? ऐसा है जी, मैंने DC साहब को यहाँ आए थे, उन्होंने SDM साहब को यहाँ भेजा था। SDM साहब मौके पे आए थे, उन्होंने दिखाया था कि भाई ये इतना बुरा हाल है। कुछ समय तक साफ सफाई हो जाती है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। चलो भाई ठीक है भाई, कवे सारा फिर लिए कड़िया कोई सुनवाई नहीं होने लग रही अभी तक। राम राम प्रधान जी। राम राम। के नाम भाई का के काम करे करो? कुछ नहीं, बिल्ले हैं बेरोजगारियाँ जी। एडे इसे भाटिया नगर का 21 वार्ड तो आओ भाई। हाँ जी हाँ जी, 21 वार्ड। थोड़ा है समस्या बताने लग रहे, इसके बारे में बताओ भाई। समस्या तो आपने देख ही ली होगी, कैमरा घुमा के सारा देख तो लिया मैंने भाई। बहुत विकास हो रहा है भाटिया नगर का, तरक्की हो रही है भाटिया नगर की। इतना बुरा हाल तो मतलब कहीं का भी नहीं होगा जितना यहाँ का है। आप गुरुद्वारा से लेके और सैनी मोहल्ले तक देखो, आप पैदल तो बंदा चल ही नहीं सकता यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। कड़ियाँ इसकी आगे बात भी पहुँचाई होगी ग्राम सीधे किया, वो भी बता रहे थे कादियान जी, इन्होंने करी है शिकायत एक दो जगह। कहना तो क्या जी, उन्हें कोई सुनवाई नहीं हुई किसी प्रकार की भी। बुरा हाल है यहाँ का तो आप देख लियो कि पानी ये कितना खड़ा है यहाँ पे, उधर देखो पीछे बुनिया जान का पानी खड़ा है। बाकी आपने ये मॉडल तो देख ही लिया होगा। मॉडल तो भाई जोड़ा भाजपा मौका की सरकार है, जजपा का गठबंधन है, हमें लग रहे हैं कहना रुके मारे हैं। उम्मीद ला भाई तो और बता, देवेंद्र बबली है कि मैं उम्मीद उम्मीद किससे करे? परमवीर से उम्मीद करी वो भी सुपड़ा साफ हो गया, निशान सिंह से करी वो भी सुपड़ा साफ हो गया, अब्राला भी 6 साल रह गया कुछ नहीं करया, आगे बबली तो क्या करेगा? हमें पावर तो कई तीन तीन है, बाकी काम तो नहीं हो रहा। पांच MCA वाड़ी नगर के अंदर है तो और भी हमारा गल्ला इन पे पूछेंगे। भाई क्या बताएं क्या बताएं, इसमें देखने को आपको दिख रहा जो कुछ भी है सामने है, लेकिन विकास के नाम पर तो जीरो है यहाँ। हम तो गंदगी में रह रहे हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट भी कर ली कमेटी में, हम जाए कई बार हम जाके रिक्वेस्ट किया भी हमारा देखो उधर से सड़क बन गई उधर से बन गई, बीच में खाली पड़ी है, इतने परेशान है, पानी का निकासी नहीं है, पानी की गंदगी है, गंदगी के ढेर में हम जी रहे हैं। और कितनी बार रिक्वेस्ट की भी यहाँ कूड़ा मत ढेरो उधर जगह और बनाओ, पर नहीं मत यहीं गिर रहे हैं पर बार बार इसी बात। कड़िया ने कड़िया बीजेपी एक बात कह रहा है, नुबिला स्वच्छता अभियान पर पूरा जोर है, मोदी भी कई दिन झाड़ू लेकर फिर था। वो कहाँ स्वच्छता अभियान का है ही नहीं, कहीं हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। अब जिसने देखना है वो हमारे यहाँ इस मोहल्ले में आके देख ले, स्वच्छता अभियान कहाँ है, दिखाने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ पता लग जाएगा कितना स्वच्छता अभियान चला रखा है। तो भाई ताऊ की बात ठीक है, नुबिले कागजा में और अखबारों में और फोटुआ में तो जरूर है नुबिले झाड़ू लेगा स्वच्छता अभियान पर पूरा काम करा, लेकिन जो जमीनी स्तर पर देखा पे कोई काम नहीं होता। ताई हमारे गला राम राम। हाँ भाई राम राम। क्या नाम ताई का? कमला देवी बेटा। क्या कहोगी ताई इसके बारे में? क्या कहोगे भाई, हम तो गंदगी में जी रहे हैं, गाँव से भी बुरा हाल हो रहा है, जब बारिश आवे चार चार फुट पानी भर जाए, छोटे छोटे बच्चे गंदगी सारे सीवर उछल दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही कुछ भी, सारी वोट लेने के टाइम पर सारे आवे हाँ सब करावांगे बनावांगे, लेकिन बाद में कोई शक्ल भी नहीं दिखांदा,
बहुत बुरा हाल है बेटा, गाँवों से बदतर जिंदगी हो रही है। शहर का नाम तो निशान है ही नहीं, गंदगी देख लो आप, चुकर दे सारे प्लाटा में पानी, इतनी गंदगी, इतनी लैटरिन, बुरा हाल नु तर तर के आवा। सीवर का जब पानी गटर उछला है सारे, ये तो इसका कोई जीना नहीं है हमारा, ये है के जिंदगी है। छोटे छोटे बच्चा का टाइफाइड है, मलेरिया, बुखार, हर साल इतनी बीमारी इस मोहल्ले में, डेंगू, कोई हाल नहीं, कोई जिंदगी नहीं है बेटा। वो दुनिया जितनी मर्जी सरकार आ लो, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी ने भी आपा किसी की बुराई नहीं करे, लेकिन कोई सरकार आ लो कुछ नहीं बना। भेदभाव है, गुरुद्वारे तक बन गई बेटा, आगे चौक तक बन गई, यहाँ का मोहल्ला छोड़ दिया। रैली आई थी दो, यहाँ वो गेरा था क्रेशर, अभी सारी गली बनेगी, मिठाई बाटो, फलाना करो, दो चार दिन बाद सारी वापसी उठा के ले गए। हाँ क्या बोलो जी, नाम तो ये देखो, साथ वाला प्लाट बिल्कुल गंदा पड़ा है जी, साफ निकलती है रोज, कोई दिन ऐसा हो जाता जब ना जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी किसी को कुछ हो जाए, रात का टाइम है, क्या पता लगता है दिन में नहीं भी घर होते ही है। ये तो ये ना ये प्लाट बेचती है, ना ये किसी को बनाने देती है, ना ये बनाती खुद बनाती है, पहले इसको भी डंडा लगाओ। सारे प्लाटा का बुरा हाल है, ये भी प्लाट इसका पड़ा हैगा, इतने प्लाट इसके पड़े, ना कार्रवाई करती है ना कुछ हैगा। ये कुछ तो लेडीज़ को भी सोचना चाहिए, भी मेरे पड़ोस में मैं भी यहाँ बसना आगा, कुछ मेरे भी बच्चे हैगे, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। मेरा तो बच्चा छोटा पोता छोटा 10 महीने का सारा ही हैगा, मुझे तो डर लग रहा था सारा दिन ही उसका, कोरोना ने डरा रखे किसी की, मैं इन्होंने डरा रखा है, खाली वाले जगह वालों ने, सड़कों वालों ने डरा रखा है कुछ। जब एमसी के पास जाते हैं तो एमसी बात नहीं सुनता, जब वोट लेने आते हैं तो पैरों को हाथ लगाने आते हैं तो बाद में टांग मार के भगा देते हैं, कहते तुम करो, हम कौन है जी, सही बात है जी, कोई झूठ थोड़ी है, मैं तो कह रही हूँ, बाद में तो अगले बात भी नहीं सुनते, हम जानते भी नहीं आपको, क्यों नहीं वोट लेने, बाकी भुआ कहते हो, बाद में क्यों नहीं जानते तुम हमारे को, बाद में भी जानना चाहिए, बाद में जाते हैं तो उनका कदर करो, आंटी जी करो उसको, बाद में भी पूछ देता नहीं, पूछा भी कौन नहीं, मैंने कितने बार कागज पे साइन करवाने, जब भी नहीं करवाते, ये बात अच्छी थोड़ी है। पूरा एमसी और नाम कैसे हो? राम राम जी, ठीक ठाक हो? हाँ बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपका टीम में अरे बड़ा टीम में कितना के फर्क लाओ कि मैं सुधार हो? ऐसा है जी, ये जनता ही आप लोगों को बता रही है और जनता ने सारी सिचुएशन बता भी दी, उधर ले चलो, इस बात में कोई दोराई नहीं है। इवन जी 2 मिनट पहले कह रही थी कि हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, वाकई में ही लगभग 2.5-3 साल से वार्ड नंबर 21 भाटिया नगर के हर एक व्यक्ति को इतनी परेशानी है, और इस गली का टेंडर लगभग 24 लाख रुपए का पहले हो चुका है, क्यों कैंसिल हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस बारे में हमारे को किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हम कम से कम भी सभी वार्डवासी इकट्ठे होकर के नगर परिषद में कम से कम 6-7 बारी जा चुके हैं और हमें सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। इस बात में कोई दोराई नहीं कि आज पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है, आज हमारा निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका है, गंदगी बदबू फैली हुई है, लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इससे हम कैसे निजात मिलेगी हमारे को, हम तो समझ से बाहर है। तो हमने प्रशासन से, शासन से, सबसे कई बारी मांग हम कर चुके हैं कि हमारा एक ये छोटा टुकड़ा है 400-500 मीटर का लगभग इसको, लेकिन अदर्ज में आज भी ये डाल रखा है। आज से 15 दिन पहले भी मेरे पास नगर परिषद का फ़ोन आया था, बोला जी अदर्ज में डाल दिया है, तो हमारे एमसी साहब बैठे हैं, उसने अपनी एक गली बना ली, तो इस गली को और गले निकल जाता तो उसमें फ़र्क क्या था, अदर्ज में ही है वो। वो 10-12-14 लाख का टेंडर था, 10-14 लाख से पूरे तो हुए नहीं, जो पैसा बचा था वो इधर लग जाता, लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं है और जनता इस बात से बिल्कुल परेशान है। चलो जी, धन्यवाद। आपकी जेजेपी में अच्छी भागीदारी बताइए जी। जी सर, ऊपर तक लिंक बताइए, प्रदेश अध्यक्ष जी सर, आप कुछ नहीं करते, सरकार में भागीदारी आपकी भी है। ऐसा है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, मेरे मोहल्ले के वार्डवासी ई भी मेरे पास खड़े हैं, मैं खुद सबसे आगे अगुवाई करके गया, नगर परिषद के जितने भी अधिकारी थे वो जा चुके हैं, पहले डलवा दी थी मैंने इसको, लेकिन 3 गलियां हमारी पास हुई थी भाटिया नगर की, एक राजू ठकराल एनसी वाली गली, एक सोरगर गली, एक आनंदपुर कुटिया वाली गली, उसके अंदर इस गली को अदर्ज में डाल दिया था, बाई नेम नहीं डाला, मैंने 50 बारी लिख के दिया, अदर्ज में डाला था, वो कहने लगे तीनों गली जब बनेगी अदर्ज में जो पैसा बचेगा यहां लगा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो अधिकारी चेंज हो गए, अपने ट्रांसफ़र उनकी हो चुकी है, उसके बाद दोबारा फिर मैंने वो तीनों गलियां डलवाई, फिर भी उसको अदर्ज में डाल दिया गया, बाई नेम से तीनों गलियां डली है लेकिन इसको अदर्ज में डाल देते हैं। मुझे तो उन अधिकारियों की कहानी समझ में नहीं आई, या मुझे उस एमसी की या मतलब किसी और की नगर परिषद का जो मतलब
सचिव है उसकी कहानी समझ में नहीं आई। जब हम बाई नेम लिख के दे रहे हैं तो इसको बाई नेम से क्यों नहीं डाल रहे, समझ नहीं आई इस बात की कहानी। और जब अदर्ज में थी तो वो जो गली बनी उसका बाकी पैसा यहाँ लग जाना चाहिए था, बाकी पैसा हमारा गया कहाँ। 14, 14, 28 और 12 लगभग 40-44 लाख रुपया हमारा यहाँ का पास है भाटिया नगर का, नगर परिषद नहीं लगा रही है। या तो हमारी मतलब MC की कमजोरी है, जनता तो चाहती है, जनता कई बार प्रदर्शन भी कर चुकी है, जा चुकी है, अधिकारियों से मिल भी चुकी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जो आदमी इलेक्टेड है, जो आदमी वोटों से चुन के भी गया, ऐसी कोई भी मतलब वो नहीं होती उसकी ना चलती हो। लेकिन उनको यही नहीं पता आज तक बाई नेम से कौन सी गली डलवानी है, कौन सी नहीं डलवानी है। अदर्ज का क्या मतलब है, जब हम बाई नेम लिख के दे रहे हैं अदर्ज का तो मतलब ही नहीं होता। सही बात, पहले इसका टेंडर हो चुका है 24 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है इसका, नहर टू तहसील पास हो चुका, पेमेंट पास हो चुकी है। पेमेंट का तो देखो नहीं बता सकते, हुई कि ना हुई ऐसे तो नहीं कह सकते क्या पेमेंट होली, लेकिन पास हो चुका है। जब तकरार हुई आधी गली वहाँ से बना दी, आधी गली उधर से बना दी, बीच का टुकड़ा हमने जिंदगी में पहली बार देखा है कि ऐसे बीच में कब छोड़ दिया। अभी दो ही साइड बन गया, धन्यवाद। तो भाई स्वच्छता अभियान की सरासर खली खिली दिखने लग रही, तो हमने देख सको चुगरदा का, एक बार कैमरा मैन ने दोबारा कहूँगा मैं चुगरदा का दिखाई देता के सांग है डगा ऊँ तो रुक के मारा है नुबिला अखबारा में टेलीविजन आ मैं नुबिला स्वच्छता अभियान भाई इतना खर्च लग रहे हैं, इतना करने लग रहे हैं, हेड़ा गाल या नु कहो पास भी हो लिया उसके बाद भी नहीं बनने लग रही, इसमें किसकी मिली भगत है वह खुद प्रशासन देखो। हर प्रशासन का रिक्वेस्ट करांगे जितना उसका जल्दी से जल्दी समस्या का निजात करने की वो करा। जारी आना जारी आना।